हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हल्दी के कुछ चमत्कारी गुण। हमने बहुत ज्यादा सुन लिया होगा, मतलब दादी होगी, नानी होगी, जो भी हो बताती चली आ रही है कि हल्दी वाला दूध पियो, बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हमने सुन लिया हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं हम पीते चले जाते हैं। और कुछ जो चीजें होती है, मतलब जो बारीकी होती है, हो सकता है वो हमें नहीं पता होती है। तो हल्दी वाला जो दूध है वो क्यों पीते हैं, मतलब इससे क्या फायदे होते हैं, या हल्दी के क्या फायदे हैं, हल्दी के जो चमत्कारी जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं, और हल्दी में क्या क्या पाया जाता है, और हल्दी को किस तरीके से खाना पीना या उपयोग में लाना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को। हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं कि जो हल्दी है उसके क्या क्या गुण है या क्या क्या फायदे हैं। अगर आपके चोट लग गई है, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, उस जगह पे आप हल्दी डाल देते हैं तो खून वहीं का वहीं रुक जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है, जो स्वेलिंग होती है ना वो हो जाती है, वहां पर हल्दी लगाने से जो चोट है, जो सूजन है वो कम हो जाती है। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए, मतलब मधुमेह या सुगर जिनको भी है, हल्दी उनके लिए रामबाण इलाज है। वो हल्दी वाला दूध पिए, हल्दी वाला पानी पिए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और सर्दी खांसी जब भी हो जाती है, हल्दी वाला जो काढ़ा होता है वो या हल्दी वाला दूध हम पीते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो अगर सर्दी खांसी है तो उसमें भी हल्दी बहुत ही ज्यादा लाभकारी। हल्दी वाला दूध पीने से जो आपका दिमाग है ना वो तेज हो जाता है, तभी हमारी दादी और नानी बोलती थी कि हल्दी वाला दूध पियो। और अगर आपका जो रंग है थोड़ा सा दबा हुआ है, मतलब कुछ लोग सांवले होते हैं, वैसे वो भगवान की देन है जो जिसको जैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी हल्दी है जो वो कलर होता है ना, मतलब रंग को साफ करने का जो काम है, इको क्रीम न कर पाएंगे लेकिन हल्दी में वो गुण है, हल्दी वो कर सकती है, मतलब जो आपका चेहरा है उसको गोरा चिट्टा बना सकती है। सन स्ट्रोक, सनबर्न की समस्या जो होती है, धूप में निकलते हैं और हाथों में स्पॉट पड़ जाते हैं, चेहरे पे स्पॉट पड़ जाते हैं, उसको भी दूर करती है हल्दी। आपका रक्त जो होता है, जो खून होता है, उसको साफ करने में मददगार होती है हल्दी। और सबसे बड़ी बात, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हल्दी से ठीक हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। तो हल्दी में पाया जाता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। हल्दी में क्यूमिक केमिकल पाया जाता है जिससे कैंसर का जो इलाज है वो किया जाता है, और कई हद तक कैंसर को मिटाया जा सकता है, मतलब कैंसर को खत्म किया जा सकता है हल्दी से। और वो कच्ची हल्दी होती है, उसी में पाया जाता है कि जो करक्यूमिन होता है वो उसी कच्ची हल्दी में पाया जाता है, और उसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, और उससे कई हद तक जो कैंसर का जो इलाज है वो सफल हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने इतनी सारी जो बेनिफिट है वो हल्दी में पाए जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी में इतनी चीजें पाई जाती हैं और हल्दी इतने ज्यादा फायदे देती है, तो हल्दी को जो पीने का तरीका है, जो खाने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, हल्दी वाला आप पानी पीते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट है, चाहे तो आप हल्दी में हनी, मतलब शहद मिला के पीते हैं, तब भी आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तीनों तरीकों से जिससे भी आप खा पी रहे हैं वो आपके शरीर के लिए बेनिफिट हो रहा है, मतलब हल्दी आपके शरीर में पहुंचनी बहुत जरूरी है, और हल्दी से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको इजी तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हल्दी खाना शुरू कर दें। कैसा लगा है आज का वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।